नमस्कार। आज मैं आपको दिखाऊंगा बैल। ये बैल है, देखिए। अब इनका प्रयोग बहुत किसान कम कर दिए हैं, जैसे ट्रैक्टर का चलन हो गया है तब इनकी उपयोगिता भी खत्म हो गई है, इनकी इज्जत भी नहीं करते। तो बेचारे ये बैल जो है हमारा जो है वो था, मालिक रहता था पहले किसानों का, लेकिन अब जो है जब से ट्रैक्टर आ गए तब से इनकी संख्या कम हो गई, लोग कम पालने लगे, तो कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। और हमारे घर में बैल रहते थे, हमारे पिताजी बाबा जी रखे थे, लेकिन अब भी वहाँ सब टूट गया, सब पढ़ लिख के बाहर चले गए, सब खत्म हो गए। का करते हो? अच्छा, भैंसी अच्छा रखते हो? हाँ, तो दूध उधवात है? कितना दे देते हैं? हाँ, बकरी बकरी है? अच्छा, वो बकरी चरती है। इधर देखो भैया बकरी, ये पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है, बहुत अच्छा है, ये नहर है। और ये दादाजी भैंस चराते हैं, किसान हैं, ये भी युवा किसान है। पढ़ते हो? कितने में पढ़ते हो? 11th में पढ़ता है बेटा, पढ़ाई भी करता है और पढ़ता भी। मैं भी पहले जब पढ़ता था तो गोरु चराने में भी जाता था मित्रों, लेकिन अब किस्मत है तो अभी देखिए, पढ़ते रहो बेटा और आगे जाओ। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का है, तो हम लोग किसान के बच्चे हैं, तो किसानी भी करें और पढ़ें भी, माता पिता का सहयोग भी करें, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत हाय कर दो। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको एक और चीज़ गांव की दिखाने जा रहा हूँ। जो पहले मूंज होती थी सरपत की, उसको सुखाया जाता था, काट के फिर कूटा जाता था, रस्सी बनाने के बाद जो है बनती थी, और वो निरोगी होती थी, बात पित्त को हर लेती थी। अब देखो ये काका लाए हैं, का लाए हैं ये कासा, तो यहू के खटिया बना थी। अच्छा, तो यहू को सुखा के फिर यहू के खटिया बनी दोस्तों। अब देख लिए, मूंज से ज़्यादा फायदा करती है ये, देखो। हाँ, साइकिल। अच्छा, यहू कैसी पड़ी है देखो, ही दादा बता रहे हैं। हाँ, ये देखिए दादाजी दुकान चला रहे हैं। आओ